आलम आलमी ये आलम की जगह
वहां है आरब के माने दुनिया, लाम के जबर के साथ आरब के माने दुनिया और आलिम के माने तो आलमीन के जमा का सेगा दुनिया चार है। हम लोगों को बताया गया है जब पढ़ते थे शराब या तामीन, तो आलमीन दुनिया में आगे से पहले आलम अरवा इस तरह आज जो आपस में है दुनिया में आगे से पहले तमाम रूह एक कट्टा थी, फिर उसके बाद दुनिया में आए आलम अरवा से आलम दुनिया में आए, फिर आलम दुनिया से मर जाएंगे आलम बरजख में चले जाएंगे, फिर उसके बाद कयामत के दिन उठाया जाएगा वो आलम आखिर। तो ये चार आलम हुए आलम अरवा, आलम दुनिया, आलम बरजख और आलम आखिर। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हदीस नकल की है अपने जामे में इन्ना अरवा अल्लाह जुनूदुन मुजद्ददा, ये रूह दुनिया में आने से पहले आज इस तरह दुनिया में है हम एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, मेरे दाएं आपके शेखुल जामिया, मेरे बाएं सेक्रेटरी और मुतवल्ली साहब, यहाँ जो हम इकट्ठा हुए हैं इससे पहले हमारी रूह इकट्ठा हो चुकी है आलम अरवा। अजीज तलबा हम शुक्रगुजार हैं अल्लाह का कि मनहज सलफ के हम पैरोगार हैं और किताब व सुन्नत के हम तर्जुमान हैं और इसी जाविये में हम अपनी जिंदगी बसर करते हैं। अजीज तलबा मैं आपसे दो चंद बातें करूंगा और जो रिसर्च है मैंने अभी ने जो शेर पढ़ाया आपके सामने तर्जुम नजा मसादिका, एक इंसान जो नजात की उम्मीद करता है, हलाकत से बचने की उम्मीद करता है, तो बचने की राहों में चलना पड़ेगा। जिन रास्तों में चलकर आप हलाक से बच सकते हैं उन रास्तों को अपनाना पड़ेगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया, सिर्फ इरादा किया, अज़्म किया, ख्याल और फिक्र किया कि मुझे बचना है, तो आप उस वक्त तक बच नहीं सकते जब तक बचने के तरीके और रास्ते पर नहीं चलते। इसी को शायर ने कहा तर्जुम नजा का वल तस्लुम मसाले का फरीद नस्तदी का काला तर्जिका, जिस तरह कश्ती नाव चलने के लिए पानी की जरूरत है, बगैर पानी के कश्ती और नाव चल नहीं सकती है, इसी तरीके से आपकी जिंदगी कामयाब फतेहयाब कामयाब नहीं हो सकती है जब तक उन कामयाबी के रास्तों में आप नहीं चलेंगे, उस राह के राही नहीं बनेंगे। पहली चीज हमें उन रास्तों पे चलना पड़ेगा। अजीज तलबा सब्र व मुदावत इस राह में जरूरी है। 50 साल उम्र हो गई, बड़ा हुआ तो इसी मस्जिद और मदरसा के साए, मदरसे से फारिग हुआ और फिर उन्हीं मदरसों से मुंसलिक हुआ, यहाँ करके अपनी उम्र की 50 साल से ऊपर हो गई। तजुर्बा है, देख रहा हूँ, मुशाहरा कर रहा हूँ, इस बाब में सब्र और मुदावत जरूरी है। आमतौर पर तलबा एक इदारे से दूसरे इदारे, एक मदरसा से दूसरे मदरसे चलते फिरते हैं, ये तलबे इल्म में एक मुखिल है और एक रौरा है, आदिल में से एक सत्यवाद की राह, सब्र और मुदावत के खिलाफ। जमालुद्दीन अफगानी का नाम आप लोगों ने सुना हो, जमालुद्दीन अफगानी रहमतुल्लाह की किताब है इस्लाहुस्सुअमा, बड़ी अच्छी किताब है। उनका एक जुमला है कि अश्शजरुल कवी ला युअज्जिलु बिसबरिही,
الشجر القوي لا يعجل بسبعي مضبوط درخت देर से फल देता है। आप देख रहे हैं धान वगैरह की काश्तकारी होती है तो तीन तीन महीना में हो जाता है, लेकिन मजबूत दरख्त आम का दरख्त उसमें थोड़ा टाइम लगता है, दो साल तीन साल टाइम लगता है। तो इसी को जमालुद्दीन अहलाई रहमतुल्लाह अलैह का अशरुल कवी लाख वाक्य होने से मतलब यकीनन आप एक मजबूत दरख्त बन रहे हैं और मजबूत दरख्त बनने के लिए उसमें वक्त की जरूरत है, टाइम की जरूरत है, मुद्दते तवील जमाना की जरूरत है। और अशार के अशार में जिसको इमाम अबू यूसुफ अस्सुद्दी रहमतुल्लाह अलैह बड़े अच्छे बयान जिक्र किया है, उसको आप लोग पढ़ते रहते हैं इस तस्वीर में। तो आपसे मेरी एक गुजारिश होगी कि हर बुले रहो ये दीगर काशी में है, ये हर फूल का अलग अलग मजा होता है, ये मिजाज आप मत बनाए। हर फूल के मिजाज और उसको सुन कर इत्र बेजे हासिल करके आप उसको छोड़ दें, ऐसा नहीं। आज एक मदरसे में है, कल एक मदरसे में, परसों एक मदरसे में, ये सब्र और मुदावन के खिलाफ है। तालीम के रास्ते में ये मुखिल और एक काबिल नाकारी चीज है, इसलिए जहाँ है आप हिम्मत के साथ, जज्बा के साथ, बलवरा के साथ और बेहतरीन फिक्र और ख्याल के साथ तालीम हासिल की। अजीज तलबा, आज हुए जमीन के अंदर इससे बेहतर तबका इसको खुद अल्लाह ने कहा, वमन अहसन कौला मिम्मन दाअ इलल्लाह व अमिल सालिहन व क़ाला इन्नी मिनल मुस्लिमीन। ये अल्लाह का फजल और करम है और ये फजल और करम हर एक को अल्लाह ताला ने नवाजा नहीं, इसलिए इस धरती के ऊपर रूए जमीन पर सबसे ज्यादा अफजल काबिल अगर कोई मनहज है, कोई जमात के पैरोकार है, तो हम किताब और सुन्नत के हामी, इस पर हमें फख्र है और अल्लाह रब्बुल आलमीन के हम शुक्रगुजार। अजीज तलबा, मैं आपसे वसीयत करूँ, ये इल्म अल्लाह का नूर है, इसको आप हासिल कर रहे हैं और ये नूर हासिल करने के लिए आपके अंदर तवाज़ु, फरोदनी, आजिज़ी, इंकिसारी, बालिदगी होनी चाहिए। इसके बगैर ये इल्म आप हासिल नहीं कर सकते, अगर हासिल भी कर लिए तो फिर उसके अंदर जिला, उसके अंदर रोशनी नहीं आपको मिलेगी जब तक आपके अंदर ये तवाज़ु नहीं होगा। इसलिए इमाम अबू रहमतुल्लाह अलैह की हदीस है, उन्होंने नकल किया है, मन तवाज़ा लिल्लाह रब्बहु, ये तवाज़ु हम जो अख्तियार करेंगे तलब इल्म की राह में, इसके जरिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें बुलंद मकाम अता करे और गुनाह से बचना, इस इल्म को हासिल करने के लिए मासियत गुनाह से बचना हो। आपको सुनते हैं ना इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मोकी रहमतुल्लाह अलैह का वाकया, इमाम शाफी ने इमाम मोकी रहमतुल्लाह अलैह से शिकायत की थी, उसको अरबी अशआर में नकल किया, शकौतु इला मोकी وَأَنْتِ فَأَوْصَانِي لَا تَرْكِ الْمَعَاصِي فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِنْ إِلَٰهِي وَنُورُ الدَّارِ الْآخِرَةِ الْمَعَاصِي۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد امام وقی سے کہا، پڑھتا ہوں بھول جاتا ہوں، پڑھتا ہوں بھول جاتا ہوں، پڑھتا ہوں بھول جاتا ہوں، اس کا علاج کیا ہے، کیسے نہ بھولوں؟ شکوتے تو उनके उस्ताद इमाम मौसूफ रहमहुल्लाह ने उसका इलाज बताया और कहा फाउसानी लाकर मासी, कहा इमाम शाफी मासियत और गुनाह से इज्तिनाब करो, गुनाह के कामों से दूर रहो, इसलिए कि फाइनल इल्म नूरुन व नूरुल्लाह ला युकलिमास, जिस इल्म को आप सीख रहे हैं, तलब कर रहे हैं, ये नूर है, रोशनी है,
वसीयत करूंगा, नसीहत करूंगा कि मासियत से इज्तनाब करके आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ एक सुए के साथ इस इल्म को हासिल करें। और इसका बड़ा मकाम है हदीस और कुरान में, हम उन मकाम की तरफ नहीं जाते हैं। और अपनी बात समेटते हुए आखिर में फिर आपसे हम ये वसीयत और नसीहत करेंगे कि रूए जमीन के अंदर मनहज किताब व सुन्नत का शाहकार फिक्र को अगर कोई फैला रहा है तो वो जमात अहले हदीस से। मेरी मुराद ये नहीं है कि जमीयत एक संगठन जो काम कर रही है, जमात अहले हदीस मेरा कहने का मकसद यह है कि किताब व सुन्नत कुरान और हदीस के मवादी को जिसको लेकर लोग चलते हैं, ये मेरी मुराद है जमात अहले हदीस। यही एक जमात है जिनकी फिक्री बादगी और बुलंदी को दुनिया सराहती है। इसलिए यकीनन आप बड़े मकाम पर फायज होने वाले हैं, आप हमारे फ्यूचर मुस्तकबल के मेहमान हैं। और आपको इस्लाम का दीवान, इस्लाम का परचम और इस्लाम की ये बुलंद पाया जिम्मेदारी मखलूक तक पहुंचाता है। इसलिए बड़ी मजबूती के साथ, बड़ी पाबंदी के साथ और निहायत उमदा फिक्र के साथ हमें इस इल्म को हासिल करना है। मैं अखीर में फिर एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह ने अपने जामे के अंदर हदीस नकल की, मन लम यशकुरिल्लाह मन लम यशकुरिन्नास फलम यशकुरिल्लाह। ये हसन हदीस है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसने लोगों का शुक्रिया नहीं अदा किया तो फिर वो अल्लाह का शुक्रिया अदा कैसे कर सकता। इसलिए इस हदीस के विस्तार मैं आपके प्रिंसिपल मौलाना उबैदुल्लाह बुखारी का शुक्रिया अदा करता हूँ, मेरे मोहतरम सेक्रेटरी और मुतवल्ली साहिबान का शुक्रिया अदा करता हूँ, मेरे तमाम असातिज़ाए किराम की ये मेरी दुआ हूँ। अजीज तलबा, मेरी जिंदगी में बहुत से शागिर्द हुए, बड़े बड़े उहदा पर हैं और लोग काम कर रहे हैं, आपकी सलाह में आते हैं, मौलाना इरशाद पदवी मौलाना मुफ्ती रहमान पदवी ये मेरे शागिर्द हैं, छोटा से किन लोगों को पढ़ाया। उसी तरीके से ये आपके प्रिंसिपल मौलाना उबैदुल्लाह बुखारी भी मेरे शागिर्द हैं। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत शागिर्दों को देखा लेकिन मदानत, संजीदगी, हलीमुल मिजाजी जिसको उर्दू में कहते हैं बुर्दबान, ये हमारा अजीज उबैदुल्लाह बुखारी के अंदर जो अल्लाह ताला ने दी है ये किसी दूसरे के अंदर। जामिया इस्लामिया मदीना का फारिग नहीं है, इसके बावजूद अरबी जबान से दिलचस्पी है और जिस तरह बोलते हैं उसी तरह लिखते भी हैं। लिखना बहुत मुश्किल काम है, आप अरबी में लिखने बैठिए फिर आपको पता चलेगा इतनी डिक्शनरी का सहारा लेंगे तो 10-17 दिन सकते हैं, बहुत मुश्किल काम है। अल्लाह का शुक्र है जिस तरह ये अरबी बोलते हैं अरबी लिखते भी हैं, उनकी कई किताबें हैं, मैंने पढ़ा देखा और खुशी हुई और मैंने उनके लिए दुआ। इनकी खिदमत आपको हासिल है इसलिए इस मौका को गनीमत समझते हुए उनसे आप फैजयाब होइए, उनसे मुस्तफीद होते रहे और उनकी कदर। हम इसी तरीके से सिकंदर साहब और मुतवल्ली साहब के लिए दुआ करते हैं। ये जो जिम्मेदारी आप लोग अदा कर रहे हैं इसको कहते हैं अलवादियात सारिहा। एक हदीस के अंदर है, हम उस तफसील में नहीं जाएंगे, वो उस हदीस का खुलासा है, सब उन यजरी للعبد بعد موته وهو في قبره। सात चीजें हैं, आदमी मर जाता है अपनी कब्र में चला जाता है लेकिन उसका अजर वो सिलसिला है सवाब उसकी कब्र तक जारी रहता है, हालांकि वो मर गया आपकी कब्र। ये हमारे मुतवल्ली साहब सेक्रेटरी साहब एक बड़ी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं और ये वाकया सारे हाथ में हम आपसे भी वसीयत करेंगे कि इसको आप
मजबूती के साथ पावती के साथ आ गए अल्लाह रब्बुल आलमीन से ले और हुस्न अर्ज रखी का वादा करते और इन्हीं बातों के साथ मैं तमाम साथीदार और तलबा के लिए चूंकि हम इन्हीं एतबार से एक दूसरे के भाई हैं और ये जो रिश्ता दीनी रिश्ता अल्लाह ने हमें दिया है ये रिश्ता खूनी रिश्ता से भी ज्यादा मजबूत है। कभी मैं कहते हैं कि रबतुल अकीदत हिया अक्वा मिन रबतिल दम, खूनी रिश्ता से ज्यादा मजबूत दीनी रिश्ता अकीदे का रिश्ता होता है और यही रिश्ता हमारा आपके साथ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इसी रिश्ते पर कायम और दायम रखे। अकुल कौली हादा व अस्तगफिरुल्लाह लि व लिलमुमिनीन व अस्सलामु अलैकुम व advises for our secretary, sir, that God